मसला दिखा रहा हूँ। हो गए लड्डू। लगाने इंजेक्शन नहीं। और आप सब कैसे हैं? हम तो क्या बताएं, हमारी तो अभी बस ऐसे ही चल रहा है। कल ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बस हॉस्पिटल गए थे। गन्नू तो ठीक है, प्रवांश को लेके डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे थे, प्रिस्क्रिप्शन दिया दवाई, पहले जर्नल मिले गए उसे, वहाँ पे भी बस ऐसे ही लगा मुझे। फिर हम प्राइवेट ही गए, हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर परमार है, उनके पास गए, फिर उनसे दवाई ली। उन्होंने बोला कि अभी आपके बच्चे नहीं, सबके बच्चों को हो रहा है फीवर वगैरह। और पता है फीवर कैसा हो रहा है, उसका फीवर उतर रहा है, हमें लग रहा है ठीक हो गया है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जैसे बैठता है नॉर्मली थोड़ा सा, फिर बस उसको फिर बुखार आ जाता है। तो मतलब इसी वजह से ना ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा था, बच्चे बीमार होते तो फिर नहीं हो पाता। अब आज सोचा मैंने, कहा थोड़ा ब्लॉग डाल देती हूँ, इतने दिन हो गए। और सब बोलने लगे, मैं सभी क्या बच्चे जो हॉस्पिटल के में गए तो वहाँ पर भी डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि नहीं आप, मैं मुझे लगा कि 5-6 महीने हो गए प्रवांश को ऐसे हो रहा है, बीमार हो रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं आपके बच्चे ही नहीं, सबके बच्चों को हो रहा है ये प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी को फीवर है, वायरल है, तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो मेरे को ये पूछना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप सब बताइए, प्लीज़ सजेस्ट करिए कि मतलब आप सबके साथ, मतलब औरों को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों ने भी कहीं सुना है कि मतलब कि सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं? क्योंकि पता है क्या, हम तो 5-6 महीने हो गए मैं इस चीज़ को फेस करते हुए। वो स्कूल जाता है, उसके पेपर स्टार्ट हुए, पेपर के बाद वो पेपर के टाइम पे भी वो बीमार था, उसके पेपर में भी वो, मैं क्या उसको पढ़ाती, मैं उसको 102 बुखार, वो फिर भी बच्चा उठ के पढ़ रहा है कि मेरा पेपर है, कर रहा है। और मैं भी उसको ज़बरदस्ती नहीं कर पाई, जब उसके FA1 लगे तब भी वो बेचारा पेपर, बीमारी में भी पेपर देने गया तो उसको स्कूल में सिस्टर्स ने बोला कि नहीं अभी ये बीमार है तो उसको पेपर नहीं देगा, ये बाद में लेंगे ऐसे पेपर। अब आधे पेपर उसके बाद में हुए, क्योंकि उस समय उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि हमें अभी अलाउड नहीं है कि जिन बच्चों को फीवर वगैरह हो रहा है उनको स्कूल नहीं भेजें आप। उस टाइम भी ऐसे हो, FA2 लगे इसके, उस टाइम भी बीमार हो गया। अभी इसके SA1 था, इसके हाफ ईयर एग्ज़ाम थे, वो फिर उसको फीवर आ गया। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब मेरे हमारे बच्चों को ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर को बोल, मैंने जब डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, और आप ही नहीं हो, और सब आजकल सब बच्चों को ही हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्या बच्चों की कुछ अभी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चों लोगों को वायरल हो रहा है, ऐसे बच्चे बीमार हो रहे हैं? क्योंकि मैं तो सच बताऊँ ना, थक ही गई हूँ इसकी हालत देख के ना। ये बच्चा इतना अच्छा खेलने वाला हंसमुख बच्चा, मेरा बाबू इतना अच्छे, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ बच्चा, आँखें में इतनी स्वेलिंग आ गई हुई है। तो आप खुद बताइए ना, ब्लॉग किया जाता है? बस मैं आपसे ये बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए आप लोग, सब्सक्राइब करिए। और रिपोर्ट्स वगैरह आ गई है, तो रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने बोला है इसको अभी यूरिन इन्फेक्शन बताया, और एक टेस्ट और बोला है कि वो भी करा लीजिए आप, बहुत ज़रूरी है। और अभी डॉक्टर जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उन्होंने ही बताया, अभी डॉक्टर को हमने दिखाया नहीं क्योंकि रिपोर्ट लेट मिली थी। तो अभी मे भी कल जाएंगे, कल तो क्योंकि प्राइवेट है तो खुले रहते हैं, तो आप कल जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे हम, क्या बोलते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं इसका टेस्ट का बताएंगे। बट अभी तो उन्होंने यही बोला है कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया इसको, और चीज़ों का तो अब कल ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैं ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, प्लीज़ आप मेरे अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप जल्दी आपको हम आएंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।